हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। एंड इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी कैसे लगाएं जिससे वो जरोधा पे काम करें। मतलब जो भी लोग क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, क्रॉसओवर मूविंग एवरेज पे काम करते हैं, वो कैसे करें। तो इन शॉर्ट, मैं सबसे पहले आपको देखो, ये आप मेरा अकाउंट देख सकते हो जरोधा का। इधर कोई भी ऑर्डर नहीं है, जीरो ऑर्डर है। एंड अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा ट्रेडिंग व्यू अकाउंट। एंड यहाँ पर पहले से मैंने क्या कर रखा है, दो मूविंग एवरेज ऐड कर रखी है। आप कोई भी मूविंग एवरेज ले सकते हो, वेटेड मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, होल मूविंग एवरेज, जो आपका दिल करे वो ले लीजिए। किसी भी टाइम फ्रेम में ले लीजिए, किसी भी पीरियड की ले लीजिए, कोई भी सोर्स ले लीजिए। ये चारों चीज आप कुछ भी कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा दूं, मैंने दो मूविंग एवरेज ले रखी है। एक ले रखी है वाइट मूविंग एवरेज, अभी मेरी 4 की है। आप देखोगे इनपुट 4 है और सोर्स इसका ओपन कर रखा है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा रखी है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा आपको फास्ट दिखाना है इस चक्कर में। सेकंड मूविंग एवरेज ले रखी है मैंने 6 की, आप देख सकते हो 6 है, सोर्स इसका ओपन कर रखा है, उस मूविंग एवरेज का क्लोज सोर्स था, इसका ओपन कर रखा है एंड कलर इसका रेड है। तो ये दो मूविंग एवरेज हो गई। सबसे पहले हमने दो मूविंग एवरेज ऐड करनी है, उसके बाद मुझे ये पता करना है कि कौन सी मूविंग एवरेज ऊपर जा रही है तो बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है, कौन सी मूविंग एवरेज नीचे जा रही है तो सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो जैसे कि आप देखिए, व्हाइट मूविंग एवरेज जब ऊपर को क्रॉस होती है तो इट्स मीन कि हमें मार्केट बुल्स होने के चांस होते हैं। तो मेरे को ये कंफर्म पता चल गया कि व्हाइट मूविंग एवरेज ऊपर रखनी है तो बाय बने, एंड व्हाइट मूविंग एवरेज जब नीचे रखेंगे तो सेल बने, मतलब सेल का सिग्नल बने। तो ये चीज कंफर्म कर ली आपने अपनी मूविंग एवरेज से, इस तरीके से कंफर्म करनी है। कंफर्म करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको कमांड लगानी है जिससे ये चीजें रियल में वर्क करें। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, एज ए डेमो देख रहे हैं, तो हम जो ऑर्डर लगाएंगे वो मार्केट ऑर्डर नहीं लगाएंगे, लिमिट ऑर्डर होगा। मतलब कमांड आएगी एंड वो एक ऑर्डर लगाएगी, डायरेक्ट मार्केट में बाय नहीं करेगी। बट जब आप इन फ्यूचर रियल में काम करोगे तो आप मार्केट ऑर्डर में भी बाय कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट बाय कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम चलते हैं, देखो एक क्रॉस ओवर हो भी गया बातों बातों में ही एंड ये निकल गया। तो अब हम दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू में इस वॉच के आइकन पे क्लिक करना है, कर दिया आपने। उसके बाद आपको इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना, कर दिया आपने। उसके बाद आपको यहां पर जो मूविंग एवरेज ऐड करिए वो दिखेगी यहां पर कंडीशन के अंदर। तो हमने इस पे क्लिक करा, जैसे हमें 4 की दिख रही है, 6 की दिख रही है, क्योंकि हमने ये दोनों ऐड कर रखी है। तो अभी मैं चाहता हूं कि भाई मेरी 4 की मूविंग एवरेज ऊपर की साइड हो तो बाय बने। तो मेरे को क्या करना है, 4 की मूविंग एवरेज सिलेक्ट करनी है, यहां पर क्रॉसिंग अप लेना, सेम यही चीज रखनी है आपको। फिर सेकंड मूविंग एवरेज लेनी है मेरे को जो नीचे की साइड होगी, एंड यहां ये कंडीशन आपको करनी है, मतलब सिलेक्ट करनी है, सेम यही कंडीशन रखनी है अप साइड में आपको अपनी मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग। उसके बाद आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। सबसे पहले मैं इनका रोल समझा दूं, इनका रोल क्या है। अगर आप ओनली वंस करते हैं तो इट्स मीन जैसे ही क्रॉस होगा, तो मतलब बाय की साइड से क्रॉस होता है तो आपकी एक बार कमांड चलेगी। अगर आपने कोड लगा रखा तो एक बार बाय होगा एंड आपका कोड ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका बॉट ऑफ हो जाएगा। तो ये ओनली वंस इसलिए यूज होता है। अगर वंस पर वार कर देते हैं तो आपका क्या होगा, जितनी बार क्रॉस ओवर होगा बाय साइड से, जो भी आपने कोड लगा रखा होगा वो वर्क करेगा। तो जितनी बार क्रॉस होगा, इस चीज का ध्यान रखना। एंड वंस पर बार क्लोज क्या होता है, ये थोड़ा सा रीपेंट इंडिकेटर में काम आता है। मतलब आपने अगर ये चीज 5 मिनट के कैंडल में लगा रखी होती या 1 मिनट के भी लगा लो, जो भी टाइम फ्रेम में लगा लो, क्रॉस ओवर हो गया पर वो कैंडल क्लोज नहीं होती जब तक सिग्नल जनरेट नहीं होगा। मतलब सिग्नल तो जनरेट हो गया है पर कमांड जब तक जनरेट नहीं होगी जब तक वो कैंडल क्लोज ना हो जाए। जैसे 1 मिनट की कैंडल में हमने ये लगा रखी और ये लगा दिया वंस पर बार, तो जो लास्ट सेकंड तक सिग्नल पहले ही सेकंड में जनरेट हो गया तो वो ये नहीं कि आपकी कमांड लग जाएगी, वो जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी जब तक आपकी कमांड नहीं लगेगी जरोधा पे। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, ओनली वंस ले लेते हैं एंड यहां पर हम लिख देते हैं कैपिटल में बाय, क्योंकि ये बाय कोड है। तो अभी के लिए हमने इसे कंफर्म करने के लिए बाय लिखा है जिससे हमें पता रहे बाय कोड है। एंड यहां पर आप देखोगे ग्रीन कलर के अंदर, या मैं कजर ले जा रहा हूं तो एक्टिवेट लिखा रहा है, एक्टिव लिखा रहा है, इट मीन ये कमांड हमारी ऑन हो गई है। बट अभी ये वर्क नहीं करेगी क्योंकि हमने इसमें बाय का कोड नहीं डाल रखा। तो कमांड ऑन हो गई ओनली फॉर, ये हमें पता चल गया। इसी तरीके से हम सेल की कमांड बना लेते हैं। इधर गए, फर्स्ट मूविंग एवरेज ली, यहां हमें क्रॉसिंग डाउन करना है सेम, एंड सेकंड मूविंग एवरेज लेनी है
एंड वंस पर बार कर दिया कि वन टाइम सिग्नल दे, इसको हमने डिलीट कर दिया जो भी इधर था एंड सेल लिख दिया एंड क्रिएट कर दिया। तो ये हमारी बाय सेल की दो कमांड बन गई। और जैसे कि आप देख सकते हो कोई भी ऑर्डर नहीं है और अभी भी कमांड चलती है, अगर अलर्ट्स आता है, जैसे अलर्ट्स आ भी गया एंड ये वर्क नहीं करेगी। क्यों वर्क नहीं करेगी? बिकॉज हमने कोड नहीं डाल रखा और हमारी कमांड ऑफ भी हो गई क्योंकि हमने ओनली वंस करा था। तो फिर से हम इसे ऑन करते हैं। पहले तो ऑन करने के लिए हमें दोबारा से सेव करना पड़ेगा। सेव करते ही देखिए ग्रीन हो गया एंड इसे हम रिमूव कर देते हैं। अब हम इसमें कोड डाल लेते हैं सेल का। इसमें ये जो कमांड चलती है स्टेप बाय स्टेप चलती है। पहले बाय का सिग्नल आता है, फिर सेल का आता है, फिर बाय का आता है, फिर सेल का आता है। क्रॉसओवर में आपको पता ही होगा। तो जैसे कि अभी सेल का आ चुका है, व्हाइट वाली नीचे हुई तो सेल का आ गया, हमें वाई के सिग्नल का वेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे जाना है, यहाँ हेल्प पे क्लिक करना है। हेल्प पे क्लिक करोगे तो आपको सारे कोड मिल जाएंगे। इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना रखी है कि कौन सा कोड कैसे काम करता है। आप देखोगे आपको मिल जाएगी 35 मिनट की वीडियो, सारे कोडों के एग्जांपल दे रखे हैं। तो अभी के लिए हमें क्या करना है, हमें लिमिट ऑर्डर का कोड लेना है। तो हमने बाय साइड का लिमिट ऑर्डर का कोड लिया और इधर जो भी कोड है ये ACC शेयर पे इनबिल्ड कर रखे हैं। तो इसको चेंज करना होता है तो मैं एक सॉफ्टवेयर में गया, आप चाहो तो मैनुअल भी चेंज कर सकते हो। मैंने यहां पर लिखा ACC एंड जिस पे मैं कोड लगा रहा हूं वो IOC है, तो ये ऑटोमेटिक नीचे चेंज हो गया। क्वांटिटी में 100 कर देता हूं एंड ऊपर मैं कर देता हूं मार्केट रेट से 2% नीचे बिड लगे। जब भी मेरी कमांड आए मार्केट रेट से 2% मेरी बिड लगे। आप चाहो तो डायरेक्ट भी बाय करा सकते हो मार्केट ऑर्डर का कोड कॉपी करके, ये वाला ऊपर वाला, पर मैं डायरेक्ट बाय नहीं करवा रहा क्योंकि मैं एज अ एग्जांपल एज अ डेमो ये वीडियो बना रहा हूं। मैंने कोड कॉपी कर लिया एंड बाय साइड में गया एंड कोड को मैंने पेस्ट कर दिया जिससे कि सिग्नल आए तो हमें दिख जाए। तो बाय साइड का मेरा कंफर्म हो गया कि हाँ भाई जब भी सिग्नल आएगा मेरे ऑटोमेटिक बाय हो जाएंगे, मतलब डायरेक्ट बाय तो नहीं होंगे क्योंकि कोड तो मैंने डायरेक्ट बाय का नहीं डाल रखा, हाँ बिड लग जाएगी। इसी तरीके से अब मैं सेल का कोड कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ गया मैंने परसेंटेज वाला ये सेल का कोड कॉपी करा एंड उस सॉफ्टवेयर पे गया। इस सॉफ्टवेयर का लिंक दे दूंगा मैं आपको, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिससे कि आप ऑटोमेटिक रिप्लेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड मैंने इसमें भी 100 क्वांटिटी कर दी, बस जो हमारे पास अभी सिग्नल आने वाला है और -2% कर दिया कि जो भी हमारे सेल की बिड लगेगी मार्केट रेट से 2% ऊपर लगे। एंड हम इधर गए, हमने सेल साइड में कोड डाल दिया, तो सेल के नीचे इंटर मार के हमने कोड डाल दिया। तो ये तो हमारी हो गई कमांड क्रिएट। अब हमें वेट करना पड़ेगा जब तक क्रॉसओवर नहीं होता, हो सकता है काफी वेट करना पड़े। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बोट वीडियो को स्टॉप कर देता हूं एंड जब सिग्नल आने वाला होगा वो पार्ट मैं आपको दिखा दूंगा। और इससे पहले जो पार्ट है आपने वो देख ही लिया, अब सिग्नल वाला पार्ट देख के आपका टाइम बच जाएगा, वीडियो लेंथी नहीं होगी, लंबी नहीं होगी और आपको पता भी चल जाएगा। कमांड मैंने क्लियर बता दिए, ओनली फॉर वन कमांड दिखाऊंगा मैं आपको लाइव जो भी, क्योंकि जो कि अब बाय की कमांड आने वाली है तो बाय की दिखाऊंगा, सेल की नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा अगर मैं आपको सारी कमांड दिखाऊंगा। तो कमांड लगाना मैंने बता दिया आपको। एंड जो मैंने इससे पहले ये वीडियो डाली थी ना मूविंग एवरेज की, सिंगल मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन हो नीचे ओपन हो, इसकी भी वीडियो में पर्टिकुलर बना दूंगा कि कमांड कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसमें मैंने कमांड बनाना नहीं बताया है, ओनली दिखाया है। पर वो मैं इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा। एंड मैं अभी वीडियो को कर देता हूँ स्टॉप एंड जब सिग्नल आता है जब हम मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ऐसे के ऐसे मैं छोड़ के जा रहा हूँ। जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हो कि स्ट्रगल कर रही है क्रॉसिंग करने के लिए वाइट लाइन, और जैसे ही वाइट लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके अपसाइड में जाती है तो सिग्नल भी जनरेट हो जाएगा। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि 1 से 2 कैंडल में ये चीज़ होने वाली है, तो मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करने लग गया एंड देखते हैं लाइव आपके सामने कि अब नेक्स्ट कैंडल में क्रॉसओवर होता है या नहीं। तो आ गई नेक्स्ट कैंडल, आई थिंक आ गए और ये क्रॉसओवर भी हो गया। आप देख सकते हो क्रॉसओवर हो गया एंड ये बाय का सिग्नल भी आ गया। एंड अगर हम जरोधा पे जाते हैं तो हमारा ये देखिए 100 क्वांटिटी का ऑर्डर भी लग गया। ये मार्केट रेट से 2% नीचे लगा, मार्केट रेट इसका 125 रुपये और 123 पे लगा है क्योंकि हमने 2% नीचे ही कोड को डाल रखा था, ठीक है जी। एंड मैं आपको एक बात और बता दूं, आप चाहे तो डायरेक्ट भी बाय कर सकते हैं, बाय कर सकते थे अगर डायरेक्ट बाय का कोड डालते। तो इस तरीके से आप ये चीज कर सकते हैं। आप दूसरी चीज ये देखेंगे, बाय करने के बाद, बाय की कमांड रन करने के बाद ये ऑफ भी हो गया। आप देखोगे ये येलो कलर का हो गया और यहाँ लिखा है टिगर, कजर ले जा रहे तो लिखा है टिगर एंड नॉट एक्टिवेट, मतलब ये टिगर अब नॉट एक्टिवेट है। तो इस चीज को आपने देखा ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने ओनली वंस कर रखा था उसे, इसलिए वो एक बार वर्क करा उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो गया। अगर हम ओनली वंस पर बार कर देते तो जितनी बार क्रॉसओवर होता, जितनी भी बार अपसाइड से, तो उतनी बार ये कमांड हमारी लगती।
तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप ट्रेडिंग व्यू या एनी डेक्स डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं वहां आके आपको समझा दूंगा। प्लस मेरा डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर है, आप मुझे फोन भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।